पता होना चाहिए। और जो आंसर होगा वो जो ग्रीन ग्रीन उससे मार्कर से जो मार्क किया गया है वो ओरिजिनल आंसर होगा इसका। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सचेंज जो ये ETF के बारे में है, तो ETF जो है ये करंटली करंटली बेस्ड है और प्लस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है इसमें। तो जैसे अब अगर आप देखोगे इसमें कि ETF के बारे में क्या है, तो जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ कि मतलब ये बेसिकली होता क्या है ETF। जैसे अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है बेसिकली, जैसे आप जैसे म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में आप ये करते हो कि मतलब जो जैसे अगर आपने मार्केट में लगाया पैसा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिया है कि जैसे ये ए है ठीक है, ये विप्रो में लगाता है पैसा, तो विप्रो में लगाता है तो ये इंडिविजुअल लगा रहा है, मतलब ये जैसे विप्रो है तो उसका एक स्टेक है तो उसमें लगा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो जो वो है मतलब रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या करता है, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि जो 5-6 कंपनी होगी अच्छी अच्छी उनके शेयर्स इसमें लिस्टेड कर देता है। और इसमें जो है ये लोगों की सुविधा के अनुसार, मतलब जैसे मेरा पैसा है तो मैंने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, तो मैंने जब अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा इसको। तो म्यूचुअल फंड क्या करता रहता है कि वो मतलब कंपनी को लिस्टेड और अनलिस्टेड करता रहता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर लोगे। जैसे ETF में क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में मतलब वन टाइम सेटलमेंट होता है डे में, वो भी इवनिंग के टाइम होता है। कि म्यूचुअल फंड में जैसे अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप शाम को गए, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा और उसको जो है उसमें स्टॉक लगा, मतलब उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। जबकि ETF में क्या कराया है, जो सॉरी ETF में क्या किया गया है, अब जो इसमें जो है बेसिकली ये चीज़ है, ये ऑल डे ओपन रहता है, मतलब आप ऑल डे वहाँ जाके जो है ट्रेडिंग कर सकते हो और कितने तरीके से आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि ETF में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत आपको क्या होती है कि टेक्निकलिटी चाहिए होती है, मतलब एक्टिव पर्सनल उसमें चाहिए होते हैं, क्योंकि वो लिस्टेड और डिलिस्टेड करते रहते हैं और देखते रहते हैं किस कंपनी का ऊपर शेयर गया है किसका नीचे गया है। तो उसके आधार पर जो है अगर आप देखोगे तो इसकी जो जो मतलब जो म्यूचुअल फंड की है, म्यूचुअल फंड की जो रेगुलेटिंग कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी और ETF की एज कम्पेयर टू कम होगी। तो इस आधार पे भी क्या होता है कि इसकी थोड़ी बहुत वो बढ़ती है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ETF के बारे में बताना था, करंट अफेयर बेस्ड था, करंट अफेयर अभी न्यूज़ में था, तो मतलब ये वाला जो ETF वाला था तो ये न्यूज़ में था। जैसे इसमें पढ़ लो पहला, ये सामान्यतः म्यूचुअल फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात का दावा करता है। अभी कम व्यय अनुपात का दावा कैसे करता है, मैंने अभी आपको समझाया ऊपर कि अगर जैसे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड में जो है उसमें टेक्निकलिटी चाहिए होती है। टेक्निकलिटी की बेसिकली क्या चाहिए होती है, क्योंकि उसको जो एक्टिव पर्सनल चाहिए होते हैं अपने उसको कंपनी को चलाने के लिए, मतलब ऊपर नीचे लिस्टेड करने के लिए। जबकि ETF में ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑल डे जो है कम एक्टिव पर्सनल चाहिए होते हैं। और ये तो इसलिए ये अलग इस आधार पर ये सही हो जाएगा कि ये व्यय अनुपात का कम व्यय अनुपात का दावा करते हैं किसी कंपेरिजन में, म्यूचुअल फंड की तुलना में। अगला, ये म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक लचीलापन और तरलता प्रदान करते हैं। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया ही था कि जो ये जो ETF है ये ऑल डे होता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऑब्वियस ही बात है। अब जैसे यहाँ पे इसने दिया है कि इसमें सामान्यतः म्यूचुअल फंड की तुलना में अल्पावधि मूल्यों का उतार चढ़ाव कम होता है, कम नहीं होता है ज़्यादा होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ETF में क्या, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक ही दिन में मतलब दिन में एक टाइम आपको दिया जाता है कि इस टाइम आप जो है पैसा लगाइए, जबकि ETF में आपको ऑल डे रहता है। तो फ्लक्चुएशन किस में ज़्यादा होगी, ETF में। तो इस आधार पर जो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। अब जैसे अगला देखिए, अगला जो है ये बेसिकली फैक्चुअल है। बेसिकली मतलब फैक्चुअल इस आधार पर है कि अगर आपने ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ये आपको नहीं आता है। जैसे इसमें इसमें जो इसमें आप देखिए कि इसने यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहाँ पे इसने लिखा है कि अधिनियम के तहत केंद्र को भारत में भुगतान प्रणाली नामित करने का प्राधिकार प्रदान किया है, नहीं किया है। क्योंकि जो ये सब भुगतान जितने भी आपने पढ़ा होगा, NPCI वगैरह ये सब है, ये कौन करता है, RBI रेगुलेट करता है। तो इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। और दूसरा तो जो है आप जो है पढ़ती मतलब जो लैंग्वेज है उसकी उसके आधार पर उसको आप गलत कर सकते हो। जैसे अधिनियम के तहत विदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित क्यों किया गया भाई, जितना भी आपने NPCI द्वारा देखा होगा, वीज़ा देखा होगा या मास्टर कार्ड देखा होगा, ये सब क्या है, ये तो सेवा ही उपलब्ध कर रही है, और ये कौन है, ये विदेशी संस्थाएं हैं, ये भारत की नहीं है। इस आधार पर क्या है, इसका ना तो 1 होगा ना 2 होगा। अब आप अगला देखिए, जैसे थर्ड वाला है, ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब ये तो प्योरली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको सही कर लोगे। इसमें मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं आपको, जैसे कि अगर मतलब थोड़ा बहुत आपको आता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं चाहता नहीं कि वीडियो ज़्यादा लंबी उतनी हो, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेना ये आपका सही हो जाएगा। जैसे अगला है, हाँ, ये करंट अफेयर का है, ये करंट अफेयर का है, तो इसमें तो आपको ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, या अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको आप स्किप कर सकते हो या फैक्ट आधार पर ये लग सकते हो। जैसे मैंने इसमें जो है केवल 1 लगाया था, बट ये केवल 2 दे रहा है। जैसे मतलब UPSC में आपने 2-3 चीज़ें देखी होगी, जैसे जो इसको बोलते हैं हम, जैसे मतलब PYQ जैसे मैंने एनालाइज किया है, और दूसरे भी जो मतलब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है इस बार वो बताते हैं। तो गेसिंग कैसे होती है UPSC में, गेसिंग इस आधार पर होती है, जैसे हम इसको बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेस, EBEG, इसको मैं आगे बार बार दोहराऊंगा इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि एविडेंस बेस्ड
एजुकेटेड गैस, इसको हम कैसे लगाते हैं, इसमें जो है बेसिकली जो आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो आपको जो PYQ होती है ना, PYQ आधार पे आपकी जो है बनती है कि बेसिकली अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो जनरल होते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात करता नहीं है वो, तो सामान्यता ऐसा कोई रूल नहीं है बट सामान्यता ऐसा UPSC सही मानता है। जैसे ये है कि जैसे इस वाले में आप समझो कि इसमें इस वाले में इसने दिया है कि जो ये है ये वाला, हाँ, कि ये सर्वेक्षण जो है प्रत्येक 5 वर्ष में उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये NSSO द्वारा रिलीज किया जाता है, 5 वर्ष के लिए जो है ये रिलीज करता है, ठीक है। अगला जैसे ये कि वित्त वर्ष 2011-12 से ग्रामीण भारत के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय में जो MPCE में वृद्धि की दर भारत शहरी भारत के MPCE की तुलना में अधिक रही है। यहीं पे मैं मार खा गया, मार इसलिए खा गया कि ये मेरा गलत हो गया था क्योंकि ये बोला था वित्त वर्ष 2011-12 से लगभग कंटिन्यूअस रही है, मतलब ये अगर यहाँ पे ओवरऑल की बात आएगी, एब्सोल्यूट की बात आएगी तो शहरी क्षेत्र की है, लेकिन अगर ये व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय है ये रूरल क्षेत्र में लगातार बढ़ा है, कब से कब तक, ये 2011-12 से जो है लगभग बढ़ा है, और ये सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2011-12 के बाद से ग्रामीण परिवारों का खाद्य उत्पाद पर व्यय से प्रतिशत में कमी को दर्शाता है। हाँ ये तो हुआ है, ये आप नॉर्मल किसी भी अगर आपने करंट अफेयर फॉलो किया है तो ये न्यूज़ में था, तो ये इसमें कोई वो नहीं था। आप अगले देख लीजिए। हाँ ये मैंने बेसिकली जैसे जो मैंने एनालिसिस किया था उसी के आधार पर मैंने ये पेज बनाया है, मतलब ये मैंने देखा था कि मेरा वीक एरिया कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और स्कोरिंग टॉपिक क्या है, तो उस आधार पर मैंने, आप भी ऐसे मतलब कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि इससे थोड़ा आपको क्या रहेगा कि अभी आपके पास टाइम है तो आपको अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिल जाएगा ताकि आप एग्जाम में कोई ज़्यादा बड़ी गलती ना करो। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका पांचवा में जो है ये भी करंट अफेयर भेज रहे हैं और इसमें कोई दिमाग लगाना ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है आपका सही हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा गलत इस बेस पे हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ये एल्युमिनियम वैगन रैक, ये न्यूज़ में बहुत था, एल्युमिनियम वैगन रैक जो है 100% प्रतिशत जो है पुनर्चक्र योग्य है, ये 100% है, जबकि ऐसा सामान्यता जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि जो ये होता है इविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गैस, ठीक, इसमें सामान्यता हम क्या बोलते हैं कि अगर 100% की बात आती है ना तो 100% में सामान्यता ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट यहाँ पे जो है ये सही है, तो ऐसा मतलब ये इसलिए मैंने बोला भी था कि ये जनरली ऐसा कोई रूल नहीं है बट जनरली ऐसा होता है कि अगर जो PYQ आप एनालिस करोगे कि मतलब यहाँ पे 100% आ गया, कुछ एक्सट्रीम वर्ड हो गया या ऑल हो गया, कुछ ऐसा हो गया मोस्ट हो गया, तो जनरली वो स्टेटमेंट वहाँ तो वहाँ पे UPSC फंसा रहा होता है, बट यहाँ पे ये सही है। अगला जैसे आप देखोगे कि एल्युमिनियम वैगन रैक के विनिर्माण लागत पारंपरिक रैक की तुलना में कम नहीं है, यही इसमें मेन प्रॉब्लम है कि इसकी जो सीमा है ये लगभग जो पारंपरिक वो है रैक है रेलवे रैक से उससे जो है 35% ज़्यादा है, बाकी इसमें जो है सारी स्टेटमेंट सही है, बस ये वाला ये स्टेटमेंट गलत था, इसलिए जो है ये क्या हो गया ओनली 4 हो गया, ठीक। अब जैसे आप अगला देखोगे छठा, तो ये भी कंसेप्चुअल था, ये थोड़ा मेरा गलत हो गया था क्योंकि इसमें थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर लिया था, तो इसमें थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखोगे कि GVA और GDP यहाँ पे दो टर्म है, GDP और GVA है यहाँ पे जो है मेनली दो टर्म है, तो इनको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा जैसे ये है, ठीक। तो जैसे अगर पहला स्टेटमेंट है किसी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर पर आधार पर, मतलब इस आधार पर भिन्न हो सकती है कि वो GDP का मापन करता है अथवा GVA का, बिल्कुल होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास जो है कुल, सपोज मान लो कि आपका जो मतलब प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 50% का, ठीक, और आपने जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस जुड़े वो हो गए 20 रुपये के, ठीक, और गवर्नमेंट ने बोला कि मतलब एक सपोज कर लो ये पेन की बात हो रही है कि 50 रुपये का उसमें जो है प्रोडक्शन में उसका खर्चा आया, 20 रुपये उस पर टैक्स लगे और गवर्नमेंट ने कहा कि चलो 10 रुपये हम तुम्हें सब्सिडी दे देते हैं, तो इसमें कुल जो हमारी GDP है वो कितनी हो जाएगी 60 रुपये, क्योंकि जो हमारे जो यहाँ पे जो GDP का कैलकुलेशन होता है इंडिया में, GDP का कैलकुलेशन कैसे होता है, GDP का कैलकुलेशन होता है हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसमें से जो हमारा टैक्सेस होते हैं माइनस सब्सिडी, तो वो निकालते हैं हम इसमें से। जबकि GVA में क्या होता है ना, GVA में हम ये देखते हैं कि उत्पादन की जो चेन होती है उसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ, तो इसमें हम जो है टैक्सेस वैक्सेस यूज नहीं करते हैं, तो इसमें मतलब यहाँ पे जो GVA है वो 50 का ही होगा, तो यहाँ पे फर्क आ रहा है ना। अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा कि अब गवर्नमेंट ने 60 की जगह क्या करा, मतलब 10 की जगह क्या करा, ओनली 5 का दिया, तो यहाँ पे जो हमारा GDP है वो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो इस आधार पर मैं आपको समझा रहा था कि वही कि मतलब जो पहला स्टेटमेंट है वो किस आधार पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर इस आधार पर भी हो सकती है कि GDP का मापन करता है तो GVA बिल्कुल हो सकता है। अगला ये बोल रहा है कि जैसे जो कर संग्रह में वृद्धि और सब्सिडी में कमी से GVA के समान बने रहने पर भी GDP में वृद्धि हो सकती है, यही मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है, तो ये सेम ये अगर आपने एग्जांपल अच्छे से समझ लिया तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब पहला सही है और दूसरा वाला भी सही है और ये पहले वाले की व्याख्या भी कर रहा है। अब जैसे आप आगे देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ जैसे ये तो प्योरली जो है उस बेस का करंट अफेयर, तो ये मैं देखूंगा नहीं, आप देख लीजिए चीता और गेजल क्या होते हैं, जो मतलब भविष्य में जो है जिनके यूनिकॉर्न बनने का संभावना ज़्यादा होती है। अब जैसे ये पाँच जैसे ये आठवां है, ये बेसिकली जो है फैक्चुअल बेस था, कम्प्लीटली फैक्चुअल बेस था, तो अगर आपको इसमें आता है तो ठीक, आप ठीक कर सकते हो, नहीं आता है तो नहीं आता है।
तो आप ये जो इसमें जो है आंसर लगे हैं तो आप देख सकते हो कि मतलब इसमें कौन कौन सी है, मैंने इसमें मार्कआउट भी किया है कौन सा गलत है कौन सा सही है। जैसे आप देख सकते हो कि मतलब इसमें जो है पहला वाला गलत था और दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, हाँ अब आप ये देखिए आठ नौवा वाला देख लीजिए। नौवा में क्या है बेसिकली, जो इसमें जो भारत का जो ये है क्या, भारत सरकार द्वारा विकसित अमृतकाल विजन 2047 कार्य योजना में शामिल है। तो इसमें जो है शामिल क्या नहीं है और क्या है, जैसे ये स्टेटमेंट देख पढ़िए आप कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रति संतुलित संतुलित करेगा। प्रति संतुलित करेगा नहीं, ऐसा कुछ इतने एक्सट्रीम जो है वर्ड सामान्यतः जो गवर्नमेंट बोलती नहीं है, अगर कर हो सकता है इसका उद्देश्य ही हो, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट होते नहीं है जनरली। और दूसरा ये था कि हिंद महासागर, ये हिंद महासागर बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलता तो मान सकते थे हम। और दूसरा गहरे गहरे समुद्र में खनन को बढ़ावा देगा, नहीं देगा। इसमें केवल दो है, एक तो जो है थर्ड वाला है महासागर तटीय और नदी क्रूज सेक्टर को बढ़ावा देना और पोत निर्माण मरम्मत और पुनर्चक्रण पुनर्चक्रण देश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी करना। तो ये जो है इसका जो है केवल दो हो जाएगा, तीन और चार। बाकी हम अगला देखते हैं, दसवां क्वेश्चन। तो दसवां क्वेश्चन भी थोड़ा ओसा है, मतलब अगर आपको नॉलेज है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप मान ले जाते इसको। जैसे अगर मान के चलिए, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जैसे मुद्रा के आधार पर पूंजीगत परिसंपत्तियों के खरीद मूल्य को समायोजित करने के लिए किस मुद्रा स्फीति सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है आप ये समझिए। जैसे अभी जो वेल्थ टैक्स की बात आ रही थी कि मतलब जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे मेरे पास अभी पैसा है तो मैंने क्या करा, कुछ 1 लाख की मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इसका क्या होगा कि मैंने इसको बेचना, जैसे मैंने बेचना है 2027 में, पर 2027 में अगर मैंने इसको बेचना है तो तब तक अगर गवर्नमेंट, जैसे 2027 में मैंने अगर इसको जो है 3 लाख की बेची, तो 3 लाख में अगर मैंने इसको बेची तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है 3 लाख पे टैक्स लेगी। तो इससे जो है मेरे को नुकसान होगा क्योंकि तब तक इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगी। तो जो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो ये है लागत मुद्रा सूचकांक का जो है काउंट करती है। बेसिकली ये डिफरेंस देखती है कि मतलब जैसे सपोज कर लो कि अभी तक मैंने 1 लाख का खरीदा था, और मतलब अभी मैंने 1 लाख का खरीदा है, तब जाके जो है ये इसकी जो कीमत होगी लगभग 1.5 लाख की हो जाएगी। तो अब जो गवर्नमेंट जो मेरे को जो बेसिकली जो कैपिटल गेन जो हुआ है वो 1.5 लाख का हुआ है, तो गवर्नमेंट जो है इसी पे जो 1.5 लाख है इसी पे जो है कैपिटल गेन टैक्स लेगी, 3 लाख पे नहीं लेगी, क्योंकि इससे तो जो बायर होगा उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो 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 इसने लिखा है कि मुद्रा सूचक उपयोग जो इसका उपयोग किया जाता है, ये लागत मुद्रा मुद्रा स्फीति सूचकांक का, और ये करता कौन है, ये CBDT करता है। अब जैसे अगला है 11वां है, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मतलब इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे राज्य की नीति का निदेशक सिद्धांत जो राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली को संगठित करते, अगर आप चाहोगे तो मतलब इसको मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ये प्रगतिवादी होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इससे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हो जाएगी। और इसका जो एक्सप्लेनेशन जो विजन ने भी दिया है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले लेना इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन होगा और जो साइंस एंड टेक वाला होगा उसको मैं थोड़ा देख लूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। अब आप अगला भी देख सकते हो कि उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, सॉरी इसमें लिखा है कि नहीं बदल सकता है, ऐसा ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, हाँ अभिलेख न्यायालय है, और इसकी न्यायिक कार्रवाई को विधिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। बस ये ध्यान रखना कि आपने ये तो पढ़ लिया की अच्छी बात है, बट इन जो न्यायालय जो है अभी जो है हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ये जो रिलेटेड जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड आर्टिकल न्यायालय से रिलेटेड वो पढ़ लेना। जैसे इसमें भी है राज्य विधानमंडल में, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, आप डायरेक्ट इसको पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा और आर्टिकल लगा के आगे बढ़ जाना। और जैसे ये आयोग की बात आई है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इसने एक्सचेंज किया है। जैसे राजमन्नार जो समिति है वो केंद्र राज्य राजकोष के संबंध पर है, और जो जस्टिस जी एस रोहिणी थी ये तो काफ़ी न्यूज़ में थी, OBC का सब कैटेगराइजेशन था, तो बेसिकली इसने यहाँ पे जो है ऊपर नीचे एक्सचेंज कर दिया। तो UPSC ऐसा जो है बहुत बहुत क्वेश्चन में करता है, तो उसी आधार पे इन्होंने भी विजन ने भी करने की कोशिश की है, तो इसलिए इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम आगे, जैसे आप ये 15वां क्वेश्चन देखिए, तो इसमें मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। देखिए जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक कारागार में निर्धारित वर्षों की सजा काटने के बाद बिना किसी कारण एक बात ध्यान रख लेना, वर्षों की सजा काटने के बाद, यहाँ तक तो आप जो है अभी कन्फर्म नहीं हो सकते कि ये पैरोल या फरलो है, बट यहाँ पे इसने बोला बिना किसी कारण एक, तो बिना किसी कारण ये जो है पैरोल में क्या होता है, ये रिक्वायर्ड होता है। कारण में क्या होता है कि पैरोल में अगर आपके किसी किसी से डेथ होगी या शादी वादी है तो आपको जो है पैरोल मिल जाती है, लेकिन फरलो में ऐसी कोई मतलब लीगलिटी मतलब सॉरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये, बेसिकली आप जैसे 2-3 साल की आपकी लंबी मतलब आपको वो मिल गया है, क्या बोलते हैं, सजा मिल गई है, तो उसमें आपका बिहेवियर वगैरह देखा जाता है, तो आपको फरलो मिल जाती है सामान्यतः। तो जैसे आप जैसे अगला भी है 16 वाला, तो ये तो न्यूज़ में भी था और ये बेसिक भी है, तो यहाँ से आप इसको आराम से कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये अगला भी है 17 भी जो है ईजी है, इसको आप पढ़ के आराम से कर सकते हो। और 16वां में थोड़ा है, 16वां में ये फैक्चुअल है
और ये जो है करंट अफेयर बेस्ड है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप गलत कर जाओगे। इसको मैंने बेसिकली छोड़ दिया था। अब अगला भी देख लीजिए, ये संसद में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण, तो ये भी करंट अफेयर बेस्ड है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में नहीं है और राज्य विधानसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है सॉरी, लोकसभा और राज्य विधान परिषद के लिए दिया गया है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, इसे 20वें में है। तो ये भी मतलब करंट अफेयर बेस्ड है, और तो इसको अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, आप आसानी से ईजी कर आसानी से इसको टैकल कर लोगे। और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे ये है कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को अनुसूचित जनजाति संख्या की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लगाना है। तो बेसिकली क्या मतलब देखना है यहाँ पे कि कहाँ पे जो है ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आपने एक ट्रेंड देखा होगा, अगर भारत की आप जियोग्राफी सही से देखते हो, तो जो हिली एरिया में जो है ट्राइबल ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन एरिया है। तो जैसे आप यहाँ पे मतलब प्लेन एरिया में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, कास्ट बेस्ड वो मिलेगा कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, लेकिन ट्राइबल एरिया बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हिली एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। तो ये तो मेरे को पता था कि जो है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो इस बेस पे क्या हो गया था कि ये जो डी और ए हट गया था, तो कन्फ्यूजन थोड़ा इसमें था। तो इसमें कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि जो चौथे में था वो जो सेकंड में है वो उत्तर प्रदेश है, और जो थर्ड में है वो नागालैंड लास्ट में है। तो मैंने दिमाग यहाँ से इसलिए ये लगाया कि अगर हिली एरिया होगा तो नागालैंड में बेसिकली जो है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, और यूपी में जो है कम होगी। इस आधार पर मेरा ये सही हो गया था। और जैसे ये है तो ये 22वां, तो बेसिकली अगर आप उठा के देखोगे तो ये PYQ है पूरा, तो आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत बस ध्यान ये रखना कि अगर जैसे ये बोल रहा है ना कि सभी अक्षांशों में सर्वाधिक सूर्यताप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है, नहीं होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो जो डेजर्ट वगैरह फॉर्म हुए हैं या जितने भी डेजर्ट वगैरह है तो लगभग कहाँ पे है, कर्क रेखा और मकर रेखा पे है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है जैसे आपने बोला कि भूमध्य रेखा है, अगर ये भूमध्य रेखा पे क्या होता है कि इतना तापमान होता है और वहाँ पे जो है लगातार वाष्पीकरण रहता है और ऊपर बादल बनते हैं, तो जो सूर्यताप होगा उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा सर्वाधिक सूर्यताप होगा नहीं, कहाँ होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट सबसे ज़्यादा है। तो डेजर्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे सूर्यताप डायरेक्टली मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेन होगा। अगला आप देख लीजिए सेकेंड स्टेटमेंट कि सामान्यता एक ही अक्षांश पर महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, नहीं होता है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि महासागरों पर क्या होता है, जैसे जो है मतलब बादलों का फॉर्मेशन बादल बनते हैं तो उससे क्या होता है कि सूर्य ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप खुद भी देख लीजिए, जैसे आप पानी रखते हो और या कुछ वो होती है सामने कुछ कंक्रीट वगैरह होता है, तो कंक्रीट एज कम्पेयर टू जल्दी गर्म हो जाती है एज पानी के, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब उसमें भी ये हो कि वाष्पीकरण होता है, तो वहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन सूर्य का जो है रिफ्लेक्शन होता है, और वो जो है सॉरी जो सन हीट होती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और जो वाली होती है हार्ड सतह वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू वाटर। अगर आप 23 देखोगे तो 23 में भी ये 23 में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए थी आपको, तो अगर वो आपने पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली कर लोगे। ये कितना हो गया था 23, आप देख लीजिए 24 में थोड़ा बहुत है कि ये न्यूज़ में था, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा तो आप इसको कर लोगे, नहीं पढ़ा होगा तो भी कर सकते थे थोड़ा बहुत अगर आप वो लगा। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि केवम क्लाउड क्या होता है, केवम क्लाउड बेसिकली वही होता है कि इसका निर्माण विमानों के मध्य कपासी मेघों की परतों से होकर गुजरने के कारण होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर ये सपोज कर लो कि यहाँ से ये बादल है और यहाँ से जो है एरोप्लेन गुजरा, ठीक, तो एरोप्लेन गुजरा तो यहाँ से क्या होता है कि जब ये गुजरेगा तो ये कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ करेगा, तो वहाँ पे जो 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 वाष्प होगी वो जल्दी जो है संघनित हो जाएगी और वो उड़ जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल टाइप का बन जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, केवम क्लाउड बोलते हैं। अब अगला देख लीजिए, अगला हाँ, इसमें आप लगा सकते हो कि जैसे ये करंट था और फैक्ट बेस आधारित है, तो इसमें आप बोल सकते हो वाला जो मैंने बोला था कि इसमें आप लगा सकते हो वो एजुकेटेड बेस्ड सॉरी एविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गैस, इसमें आप ये लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप UPSC के जितने भी देखोगे तो उसमें कुछ भी मतलब सामान्यता ऐसा है, मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि सामान्यता ऐसा होता है, कोई रूल नहीं है। जैसे इसने बोला है कि कुछ नदी तालाबों पर कुछ नदी घाटियों में कुछ तटीय क्षेत्रों में एलिमिनेट, तो सामान्यता ऐसे में जो है सारे स्टेटमेंट सही होते हैं, सामान्यता बोल रहा हूँ दोबारा बोल रहा हूँ। अब जैसे ये एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन है 26, तो इसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना अच्छे से। और जैसे ये था 27, तो ये भी कॉन्सेप्चुअल बेस है, बस यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना था कि मेरा ये थोड़ा गलत हो गया था कि जैसे हमने देखा है कि जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो नीचे जाने पर घटता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि दुर्बलता मंडल का घनत्व स्थल मंडल की तुलना से क्या होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि डेंसिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, तो इसी आधार पर ये जो है सही हो जाएगा। और जैसे ये बायोट्रिक, तो इसमें आप देख सकते हो कम ये करंट बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप ये 29 देख लीजिए, 29 में क्या है कि जैसे जो अगर ये आता है तो ये भी कॉन्सेप्चुअल था कि ध्रुवीय भालू केवल ठंडे आर्कटिक तापमान में ही जीवित रह सकते हैं तथा ये गर्म तापमान सहन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो जो है यूरीथर्मल नहीं होते हैं।
ये यूरीथर्मल, यूरीथर्मल जो है, यूरीथर्मल का सिंपल सा ये बात, ये मीनिंग होता है कि जो जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन यूरीथर्मल है, यूरीथर्मल मतलब हर जगह है। तो जैसे ये है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जबकि जो जो ये तनुतापी होते हैं, तनुतापी बेसिकली अपना जो वो होते हैं, अपना जो बॉडी का जो तापमान है वो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसमें जो है भुर्गी पालू भी शामिल है। तो ये जो है आयुसीन की जो है क्रिटिकल OCR जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड में आता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर जैसे स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया तो ये इसका आंसर राइट आ जाएगा, सी। और जैसे ये तीसवा जो ये पोस्ट पे है, तो इस पर आप अगर आपको आता है तो जैसे इसको आप इसलिए कर सकते थे कि जैसे मतलब भारत में कृषिगत और गैर कृषिगत दोनों ही उद्देश्यों के लिए DDT के उपयोग में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। आपने देखा होगी मतलब DDT अभी भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे मच्छरों के लिए या कुछ भी कई जगह जो है होता है मच्छरों के मतलब मारने के लिए होता है पानी वगैरह में, जिससे जो है जो डेंगू वगैरह के मच्छर कम फैलते हैं। अगला जो है ये भी करंट बेस था, धनोरी, धनोरी जो आद वो वाइल्ड वो वाइल्ड लाइफ वो सॉरी राम वेटलैंड था, वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो जो अभी जो यूपी में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे जो NGT है ना, NGT ने यूपी गवर्नमेंट को जो है ये नोटिस दिया था कि आप जो ये धनोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो, कि आप इसको जो है वेटलैंड को आप इसको जो है उसमें क्यों नहीं डाल रहे हो, मतलब रामसर जो साइट है उसको क्यों उसमें क्यों नहीं डाल रहे हो। इसका मतलब है आप जो है इसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बेसिकली जो ये जो अभी जो न्यू जो नया चेंज हुआ है आर्द्र भूमि वाला जो वेटलैंड वाला जो कंजर्वेशन एक्ट है 2017 उसमें 17 शायद या 19 में है, उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि वो इसमें वो कर सकती है, मतलब किसी को ऐड कर सकती है। तो इसमें केवल एक सही होगा, बाकी दो जो है गलत होंगे। अगले में जैसे ये है, इसमें मैंने लिखा भी है फैक्चुअल है, लेकिन यहाँ पे जो है मैं खुद बात कर रहा हूँ कि इविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेस, यहाँ पे मैं खुद ही इस चीज़ को जो है फॉलो नहीं करा, इसलिए मेरा ये गलत हो गया। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कुल मिला के आप पॉजिटिव में रहोगे, नेगेटिव में नहीं रहोगे। पर जैसे यहाँ पे ये था कि इसमें मैंने यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा लिया जबकि ये सब थे, और इसमें मैंने ज़्यादा दिमाग लगा लिया इसलिए मेरा ये गलत हो गया। अब अगला देखिए, 34 वाला है, जैसे ये प्रतिपूरक वनीकरण है, तो इसमें तो डायरेक्ट है कि ये पहले वाले में ए, और जैसे अगला है 35 में क्या है कि ये डीप है, डीप प्रोजेक्ट के संदर्भ में, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बेसिकली। जैसे आप अगर देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये भी वही है इविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेस में, कि जैसे सामान्यता ये है कि UPSC क्या करता है, इन चीज़ों में फंसाता है, जैसे 5 वर्ष ये है, या जो जैसे यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट जो है WHO बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जबकि नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल प्लस CSIR जो इंडिया का है उसके द्वारा ये किया जा रहा है। और बाकी ये दो जो जनरली जो ऐसे स्टेटमेंट है वो जनरली सही रहते हैं। और अगला जैसे ये जो 38 वाला है, ये भी उसी बेस पे है कि मतलब हाँ यहाँ पे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते थे कि जैसे यहाँ पे कि वर्ष 2024 में ग्रेट लेक क्षेत्र में बर्फ़ का न्यूनतम स्तर दर्ज किया, बिल्कुल किया गया है। जैसे अब ये कारण बता रहा है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, ग्लोबल वार्मिंग, ला नीना और आर्कटिक वायु के निरंतर तेज झोंकों। अब आपको देखो कि क्या क्या बोलना चाह रहा है ये, जैसे अगर ये मतलब बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग तक तो ठीक था, लेकिन ला नीना से नहीं होता है, एल नीना से होता है ठीक। और बाकी जो ये आर्कटिक वायु है, आर्कटिक वायु से ठंडी हवा आएगी, गर्म हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी, इस बेस पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत हो जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। और जैसे जो 37 है, 37 में आप डायरेक्ट मतलब मैंने जो जिस बेस पे किया मैं आपको उस आधार पर बताता हूँ कि आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैंने जो है इसको मैं कैसे किसी कैटेगरी में बांटता हूँ, जैसे इसको बोलता हूँ मैं इटीमोलॉजी, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप इसको क्या कर दो, इसमें तोड़ दो, इटीमोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण, इसके लिए बेसिकली आप जो है मतलब इंग्लिश वाला जो वर्जन है उसमें जाना, अगर आप ऐसे कुछ स्टेटमेंट आते हैं तो उसके लिए जो है आप इंग्लिश वाले पैरा को जो है रेफर करना, तो उसमें जो है आपको इजीली मतलब जो आप जैसे ये वर्ड है तो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको वर्ड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण है, तो यहाँ पे ये मूल्य वो है जिस एक कंपनी द्वारा स्वेच्छा से अपने ग्रीन गैस उत्सर्जन की आर्थिक लागत को आसमान करने के लिए निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे वो ये आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण, तो ये भी क्या बोल रहा है, निर्धारित किया जाता है, इस आधार पर मैंने इसको लगाया था। अब जैसे आप अगला देख लीजिए, ये करंट बेस्ड था, अगर आता है तो ठीक है, मेरा ये खुद भी गलत हुआ था, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, इसको पढ़ लीजिए, PDF में डाल दूंगा। और इसमें भी ये 39 में भी करंट है और फैक्चुअल है। इसमें बेसिकली क्या करा है, इसने ऊपर नीचे जो पहले वाले का स्टेटमेंट है सेकंड में डाला है और थर्ड वाले का स्टेटमेंट इसमें डाला है, और तीसरा तो गलत था ही, तो इसलिए इस आधार पर इसमें कोई नहीं हो जाएगा। और जैसे ये था, तो ये न्यूज़ में था, बाकी मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा के मैंने खुद गलत कर दिया इसको, ये न्यूज़ में था। और ये जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, केव इंटरनेशनल मेडल और एमरोल्ड अवार्ड टायलर पुरस्कार, तो आप देख सकते हो इनको। और बाकी ये रहता है, अब ये थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडिया का पोर्शन है, जिसे 1940 के दशक में तेवा का आंदोलन की बात की जा रही है, तो इसका नेतृत्व तो बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने किया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसमें सक्रिय रूप से भाग समर्थक नहीं था। और ये किसके अगेंस्ट था, जोधारों के अगेंस्ट, और ये काम हुआ था नॉर्दर्न बंगाल में, हुआ था, कब हुआ था, 1946 से 1947 के आसपास हुआ था। हाँ, इसमें क्या होता है कि महिलाओं जो इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भागीदारी लिया, और नारी वाहिनी का गठन किया था इन्होंने।
और इसमें जो है किसानों की मांग को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव वर्गाधार विधेयक को कांग्रेस ने शीघ्र स्वीकार नहीं करा था, क्योंकि ये 1947 तक चल रहा है, तो इसका मतलब खुद ये कि जो है तब तक कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया था और रिजोल्व किया गया था ये मामला। और ये भी कॉन्सेप्चुअल था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको सही कर दोगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 43 देख लीजिए, ये भी कॉन्सेप्चुअल है तो इसको ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट आप पढ़ लेना, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, कर्नाटक युद्ध, ये भी गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, दाई तिवारी से यहाँ पे पता चल जा रहा है। और बाकी जी आई टैग है, ये फैक्चुअल है, न्यूज़ में था, अगर आपको आता है तो आप ठीक है, नहीं आता है तो इसको स्किप कर लीजिए या थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। और 46 भी, इसमें थोड़ा बहुत लग सकता था, क्योंकि जैसे ये 25 ये चतुरंगा और ज्ञान चौपड़, ये थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी था, तो हालांकि हो मेरा भी गलत ही गया था कि इसमें बोर्ड गेम था, मैंने पुस्तक मैं पुस्तक मार के आ गया था। और ये भी कॉन्सेप्ट प्लस फैक्चुअल था तो इसको देख सकते हो आप। बाकी ये है ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला भी है कि यूपीएससी में जैसे क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि नॉलेज और ऑब्जर्वेशन और पीवाईक्यू और एमसीक्यू एप्टीट्यूड, मतलब अब खासकर जैसे पेपर आ रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे यहाँ पे था आइबेरियाई शैली, तो आइबेरियाई शैली जहाँ से मैंने लगाया कि मैंने थोड़ा बहुत पकड़ लिया था कि रूस यूक्रेन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है प्राचीन की बात करा तो इंडिया का इससे कोई संबंध नहीं है। डेनमार्क नीदन की थोड़ा बहुत स्कोप हो सकता है तो उसने छोड़ दिया। तुर्की सीरिया नहीं होगा तो पुर्तगाल और स्पेन हो सकता है, क्योंकि तो फिर डेनमार्क और नीदरलैंड के कंपेरिजन में पुर्तगाल और स्पेन की ज़्यादा संभावना थी, इसलिए मैं इसके साथ गया। अब आप 49 वाला देख लीजिए, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ था नहीं, अगर आपने पढ़ा था तो ठीक है, नहीं पढ़ा था तो पढ़ लीजिए। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली करंट अफेयर का था, और तो देख लीजिए इसमें लिखा भी है ऊपर कि क्या क्या कैसा था। और जैसे 50 वाला है, 50 में भी फैक्चुअल है तो उसको पढ़ लीजिए। और 51 है, 51 तो मेरा भी गलत हो गया था कि इसमें बेसिकली इसने बोला कि उपयुक्त में से भारतीय विदेश नीति में पीवी नरसिम्हा राव के योगदान है, तो मैंने इसमें केवल 3 मारे थे, जबकि ये न्यू लुक पॉलिसी तो पता था कि ये यूएसए की है, तो इस आधार पर ये कट गया था। बाकी मुझे लगा और एक दूसरा था ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये भी 2017 के आसपास आई है, 17 या 19 में, जो ये एनडी गवर्नमेंट है उन्होंने लाई है। बाकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये भी बाद में आई थी, तो इसमें केवल एक होगा जो कि 2 वाला है। तो और ये है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये न्यूज़ में था तो मैं इसको रिकॉल नहीं कर पाया था, तो मैं ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन मार्क मतलब सार्क मार के आया था, जबकि इसमें G20 आंसर है। अगला ये तो करंट बेस्ड था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सही कर सकते थे इसे। और जैसे ये 54 वाला है, ये जो है अनक्लोज के ऊपर है, अनक्लोज मतलब बेसिकली जो है सी वाला जो साउथ चाइना सी है ये वगैरह काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए जो है इसको पूछ लिया गया होगा शायद, तो आप देख सकते हो इसमें। बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की, अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा तो कॉन्सेप्चुअल बेस है पूरा, अगर पढ़ लिया था, अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं पढ़ पाओगे। बाकी ये है कि हाल ही में जो ये उद्घाटित राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान पत्र, बस इस बाकी 3 सब सही है, बस यहाँ पे जो है ये इसमें फंसा रहा था, इसीलिए मुझे ये लगा कि जैसे ये है तो ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था कि हाँ यहाँ पे फंसा सकता है, तो ये MP है, UP नहीं है। और मुझे यहाँ भी लगा कि ये फंसा रहा है कि 10 अंक है, सामान्यतः ऐसे में ही फंसा देता है, लेकिन यहाँ पे ये 10 अंक राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट संख्या है। और जैसे ये 56 है, ई इंक डिस्प्ले टेक्निक, तो इसमें केवल एक है, इसमें एक इसलिए क्योंकि बेकलाइट जो डिस्प्ले का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि बेकलाइट जो डिस्प्ले है वो जो है ज़्यादा वो जो जिसको बोलते हैं ना चमकीलापन, ज़्यादा वो उसको जो है एमिट करता है, जिसे जो है पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसमें ये जो है इस चीज़ की जो है प्रयोग नहीं होता है। और जो ये 57 है, ये तो अभी अच्छा खासा न्यूज़ में था, ये तो टेंडालम है, तो ये करंट अफेयर बेस्ड था। अब जैसे ये 58 है, 58 में ये फैक्चुअल प्लस करंट का है, जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन ये बोल रहा है, तो यहाँ पे जैसे इसने लिखा था कि सेवा प्रदाता द्वारा प्रबंधित केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित की जाती है, जो की बोल रहा था, इसको नहीं की जाती है किसी के पास भी ना, थर्ड पार्टी किसी के पास भी जो है इसको संग्रहित नहीं किया जाता है। बाकी जो है इसमें दूसरा भी जो है मतलब तीनों इसमें गलत है, इसमें PDF जो है दे दी गई थी इसकी, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना और टिक आउट कर लेना आंसर। और जैसे ये प्रायर जो है ये भी करंट अफेयर का था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आप ईजी कर सकते हैं, वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दोबारा ये भी ईजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए ये मेरा सही हो गया था। तो आप देखोगे अगर जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है एविडेंस बेस्ड एजुकेटेड गेस, जहाँ पे लगा सकते हो वहाँ पे लगाइए, इसमें कुल मिला के आप पॉजिटिव में ही रहोगे। और जैसे ये है, ये तो थोड़ा ईजी था कॉन्सेप्ट चलता, अगर आप आता होगा तो आप कर लोगे। हाँ ये थोड़ा सा है, जैसे ये PYQ पे ही बेस्ड है, जैसे बोला था एक बार आया था कि जो स्वतंत्रता वहीं होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब कानून होता है, तो ये उसी बेस पे है। नकारात्मक अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है क्या है, बाह्य बाधाओं का हस्तक्षेप का अभाव, तो ये जो है अगर अभाव नहीं होगा तो स्वतंत्र के नाम पे कोई भी कुछ भी करने लग जाएगा। बाकी ये कमेटी वाला है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये देख लीजिए आप। और जैसे ये है ग्रास रूट वाला,
तो ये जो है ये सार्क से रिलेटेड था, मैंने यूरोपियन यूनियन लगा दिया था, ये सार्क से रिलेटेड है। अगला जो ये हाल ही में वो प्रेस और नियतकालिक पत्रिका वाला रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो है करंट अफेयर का था, तो ये काफ़ी न्यूज़ वालों वो सॉरी इंस्टीट्यूट वालों ने भी जो है इसको कवर कराया है। तो इसमें जो है समाचार पत्र और सार्वजनिक समाचार पत्र पर टिप्पणियाँ हैं, पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएँ इसमें नहीं शामिल हैं। अगला जैसे ये है, हाँ ये औचित्य, ये मैं गलत कर लिया था कि इसमें जो है अगर संसदीय युक्तियों में से निम्नलिखित औचित्य के प्रश्न, तो ये जो है कोई भी सदस्य इसको उठा सकता है चाहे वो किसी भी दल का हो, और औचित्य के प्रश्न पर बहस नहीं की जाने की अनुमति होती है, नहीं की जाती इसमें बहस। बाकी ये जो है ये भी फैक्चुअल था, प्योरली फैक्चुअल था, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ये जब ये मैं खुद भी गलत कर गया था, तो इसका जो है सी होगा आंसर। अगला जो 68 है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है कि जैसे पहला इसने बोला है कि यहाँ पे ये फंसा रहा है कि जो आपको जो ये मिलती है कानूनी सहायता रक्षा प्रणाली, तो पहला तो इसका ठीक है, तीसरा भी ठीक है, दूसरे में क्या है, ये सिविल सिविल मामलों में नहीं मिलती, ये सिविल और आपराधिक मामलों में पात्र व्यक्ति को निःशुल्क विधिक परामर्श और सहायता नहीं मिलती, क्योंकि ये आपराधिक में मिलती है, क्योंकि सिविल में अगर होने लग जाएगा तो कोई भी बोलेगा कि भाई मैं मुझे इसके अगेंस्ट जो है केस करना है, तो इससे जो है और सिचुएशन वर्स हो जाएगी। और जैसे जो 69 है वो भी जो है कॉन्सेप्चुअल बेस है, अगर आपको आता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत इसको मैं समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो टर्म है, टर्म यूज़ की गई है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन नीतियों में क्या होता है कि सामान्यतः मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने समझाया भी है कि ये प्राइस देख लो आप 20 रुपये है, ठीक, बेसिकली ये प्राइस और उसका ऊपर जो है वो बनी है लाइन, ठीक। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये एक स्टडी है, मतलब यहाँ पे जो है मतलब अच्छी है, यहाँ पे अगर यहाँ तक रह रहा है इन्फ्लेशन तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो जब ये टर्म ना, जब हम यहाँ पे इस पॉइंट की बात करेंगे, तो इस पॉइंट से जब ये यहाँ तक आएगा ना, ऊपर तक यहाँ तक आएगा, तो जब यहाँ से ऊपर तक आने की कोशिश करेगा, तो इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम रिफ्लेशन, क्योंकि ये जो है मतलब थोड़ा बहुत जो है जब अभी जो है इन्फ्लेशन से मतलब इन्फ्लेशन का जो टारगेट मतलब जो एकदम जिसको बोलते हैं हम हाँ एक्चुअल आइडियल कंडीशन उससे नीचे चले गया था, तो अब ये दोबारा एक्चुअल कंडीशन में आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम रिफ्लेशन कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सी, अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि मतलब इसमें कौन सा हटाना चाहिए और कौन सा सही होना चाहिए। तो ठीक है आगे चलते हैं। अब ये ग्रीन डिपॉजिट है, ग्रीन डिपॉजिट कुछ नहीं होता, बेसिकली होता है कि जैसे मैं हूँ या आप हो, आप जा रहे हो बैंक में, तो आप बोल रहे हो कि मेरे को जो है ग्रीन डिपॉजिट में ग्रीन ग्रीन डिपॉजिट करना है। तो ग्रीन डिपॉजिट में क्या होगा, जो आपने ग्रीन डिपॉजिट में पैसा जमा किया है वो स्पेसिफिक ग्रीन प्रोजेक्ट के ही लिए यूज़ होगा। और जैसे अगला है 71, इसमें भी वही है ए बी ई जी, मतलब सामान्यतः मतलब अगर जो ये बोला है कि बेंच मार्किंग कितने भाई बेंच मार्क दर के लिए पात्र होते हैं, सामान्यतः इसमें सब होते हैं, रेपो रेट 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल और बी वाला, और ये चौथा फाइनेंशियल बेंच मार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और जैसे 72 वाला है, जैसे हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, जैसे ये बोलोगे आप जी सी एफ, जी सी एफ में क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है ये चीज़ भी ध्यान रखना कि टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल आइटम, इसमें जी सी एफ में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं हूँ मेरी कंपनी है, तो मैंने क्या करा कि मेरे पास जैसे मैं सपोज करो कि मैं बाइक बनाता हूँ, तो मेरे पास जैसे बाइक है, मेरे पास दो मैंने 200 का प्रोडक्शन किया और बिक्री हुई मान लो 150 की, और जो 50 रुपये जो मेरे पास बचा है वो जो 50 जो बाइक मेरे पास बची वो बेकार नहीं है, वो मेरी क्या है जी सी एफ है, वो बेसिकली क्या है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है। और इसमें जो है दोनों तरीके की हो जाती है, जैसे अमूर्त भी और मूर्त भी। अमूर्त में क्या हो जाता है कि जैसे जो सपोज करो कि जैसे मैंने एक मतलब हाँ कंप्यूटर कैफे खोला, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी को जो है साइबर जो है मतलब साइबर रिलेटेड जो मैं वो दे रहा हूँ सेवाएं दे रहा हूँ, तो उसमें क्या कर रहा हूँ अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ और चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगी कि मेरी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो वो भी क्या है मेरी वो ग्रॉस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, वो भी मेरी जी सी एफ में काउंट होगा। अब जैसे 73 में, 73 में भी बेसिकली ये है कि ये भी कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको आता है तो कर लोगे, नहीं तो फिर बस यहाँ भी ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पे सेवाएं इंक्लूड नहीं होती, खाली क्या होती है वस्तु इंक्लूड होती है टर्म्स में, तो इस आधार पर ये पहला गलत हो जाएगा, बाकी दो सही हो जाएंगे। ये भी जो है फैक्चुअल प्लस करंट आधारित था, अगर आपको आता है तो ठीक। यहाँ पे बस बेसिकली ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, तो इसमें तो आप देख सकते हो मतलब अच्छे से पढ़ लेना, बाकी इसमें जो है ये G20 का सदस्य नहीं, उसको OECD का सदस्य होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के लिए, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो है इंडिया इंडिया इसमें जो है काफ़ी मतलब इंडिया ने जो है एक काफ़ी ड्राफ्ट तैयार करके बोला कि हमें को भी जो है इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अब जैसे ये है आगे जो है जो 75 है, ये कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप बढ़ोगे तो ठीक है। इसमें जो है ये DICGE के बारे में है, इसमें जो है ये एक्ट के तहत लाया गया था 1961 में, और ये गारंटी देता है 5 लाख रुपये तक की, ऐसे नहीं कि मतलब 5 लाख रुपये तक ये देता है कि अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसमें जो है इतनी ही देता है। इसमें जो है इंटर बैंकिंग सेवा शामिल नहीं है, विदेशी जमा शामिल नहीं है, राज्य की संपत्ति भी शामिल नहीं है। और जैसे ये है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जारी के रेशमी रुमाल था जाती है, ये जो है ब्रिटिश मतलब ये जो है इसको कुछ बोलते हैं जिसको इसको मैंने नाम दिया इंट्यूशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन, मतलब सामान्यतः मैंने देखा ऐसे मेरे साथ होता है कि जैसे अगर मैं पहली बारी में जो है क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्राइक आता है कि हाँ ये शायद मैंने कहीं पढ़ा है या मैंने देखा है,
तो मैं उसको टिक कर देता हूँ, और जनरली सही होता है। अगर मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए मेरा सही हो गया था। ये भी नॉर्मल था, वो फैक्चुअल अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको सही कर लोगे। और 78 में ज़्यादा है नहीं, 78 में भी फैक्चुअल है, अगर देख लेना। मैं PDF इसकी जो है दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। बाकी सब मैंने इसमें जो है मेंशन कर दिया कि क्या क्या है, किस किस लिए जो है ये दोनों गलत है। और ये 79 ज़्यादा फैक्चुअल था, तो ये बेसिकली मेरे को भी नहीं था पता, और ये केवल 4 होगा। बाकी आप देख लीजिए इसमें, बस जो मैं PDF दूंगा उसमें देख लेना, जो जो ये राजवंश सातवाहन के जो पतन के तुरंत बाद, मतलब ये जो सातवाहनों का जो टाइम लाइन है वो देख लेना। बाकी ये अगला 80 है, ये भी फैक्चुअल था, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो इसको स्किप भी कर सकते हो वैसे क्वेश्चनों को। बाकी इसका इसके बारे में मैंने लिखा ही है कि ये कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। और जैसे ये अगला है, ये तो मतलब पहले भी पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अपरत और सद्बल, तो ये कृषि भूमि के प्रकार है। 82 भी, 82 में जो ये बलवन बलवन वाला है कि इसने दास प्रथा को रोक दिया, नहीं, इसने और दास प्रथा को बढ़ावा दिया था, और इसका जो साउथ जो शायद इसने जो अपने सेनापति को साउथ में भेजा भी था कि और दासों की प्राप्ति की जाए। और अलाउद्दीन, हाँ अलाउद्दीन ने ये किया था कि इसके साथ इसने जो है जो दासों की कीमत है वो निर्धारित निश्चित कर दी थी। अगला जो एक क्वेश्चन है, ये तो अगर आपको टाइम लाइन याद थी तो आप सही कर जाते कि इस जो विजयनगर जो साम्राज्य कृष्ण देव राय है वो 1509 से लेकर 1529 तक थे, तो इस दौरान बाबर थे, मैंने टाइम लाइन लिखी है, देख लेना। और जैसे अगला, ये मेरा गलत हो गया था, ये अगर आप पढ़ोगे तो ये कश्मीर का ये बन पाते है, और जो ये 86 है, मुगल काल की चित्रकलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहांगीर के शासनकाल के चित्रों के किनारे। हाँ ये सही है, ठीक है, ये हुआ था उस टाइम। और जो अगला है, ये मीर सैयद अली नहीं, ये जब जब हुमायूं जो जब उसे हारा था शेरशाह सूरी से, जब वो वहाँ चले गया था ईरान, तब इसने जो है वहाँ पे इसका जो है चित्र के प्रति चित्र वो चित्रकला के प्रति जो है इसका वो जगह था प्रेम, वहीं से जो है अपने साथ मीर सैयद अली को लेके आया था। अगला जो है, जो ये प्रसिद्ध चित्र संग्रह हमजानामा सचित्रण, हाँ शाहजहाँ के साथ, नहीं, ये अकबर के शासन शासनकाल का था, तो इस आधार पर केवल एक हो जाएगा। अगला जैसे 86, तो 86 में क्या हो जाएगा कि हाल ही में वृहद दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने, हाँ तो ये करंट बेस्ड है, अगर ये फैक्चुअल है, करंट है प्लस फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी नहीं है, पहले तो दो स्टेटमेंट है, इनको जो है इसने रिवर्स करा है, इसका जो है नीचे वाला होगा और नीचे वाले का इसका ऊपर होगा। और जो ये है कि अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया कम घनत्व वाली पॉलीथीन की तुलना में अधिक कठिन है, नहीं, इसलिए तो गवर्नमेंट ने जो है ये बोला है कि जो ज़्यादा थिन होगी उसके उनको जो है उनके प्रयोग पर रोक लगाई है, क्योंकि जो ज़्यादा थिन होती है उनको जो है रिसाइकिल करना में ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। और जैसे ये फैक्चुअल प्लस वो फैक्चुअल प्लस करंट अफेयर तो वाला था, क्योंकि जो ये तो सामान्यतः मिलती है चीतल, कस्तूरी मृग, बारह सिंगा, माउस डियर और बार्किंग डियर, ये सब इंडिया में मिलती है। जो ये काबीरू है ये कनाडा में मिलती है, ये हाई एल्टीट्यूड में मिलती है काबीरू और रेंडियर, ये जो रेंडियर है ये रशिया में मिलती है, और जो ये काबीरू है ये आपको जो है कनाडा में मिलती है, और जो माउस डियर है वो वेस्टर्न घाट और राजस्थान और MP का जो थोड़ा पार्ट है उसमें भी मिलती है। ये माउस डियर का सिंपल सा मतलब है जिसका जो मुंह थोड़ा सा चूहा जैसा होता है। और जैसे 88 का है, 88 में ये थोड़ा सा जैसे तीन प्रजातियाँ हैं, तो मैं तो ये इस आधार पर लगा रहा था कि जो स्नेल है घोंगा, ये मतलब सामान्यतः जो है ज़मीन पर रहता है तो ये रेंगता रहता है, तो इस आधार पर, जबकि ऐसा नहीं है, इसने जो है संघ से पूछा है कि जैसे जो आपने पूछा कि ये कौन से संघ से होता है, तो ये जो जो केकड़ा होता है वो क्रिस्टेशियस सॉरी उससे है संघ से, और बाकी जो ये तीनों ये मोलस्क संघ से है। बाकी जैसे ये 89 है, तो 89 तो जो कीस्टोन प्रजातियाँ हैं वो तो पता ही है कि क्यों होती है, कि वो इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो नहीं हुई तो जो एक जो इको सिस्टम है उसको खतरा हो जाएगा, तो ये सही है। बाकी जो ये प्रिसेंक्टिव जो प्रजातियाँ हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि एंडेमिक स्पेसीज, तो लाइन टेल्ड मकाऊ जो है ये एंडेमिक है इंडिया का। बाकी जो है संकेतक, जैसे मेंढक, मेंढक होता है कि अगर जहाँ पे नमी की कमी होगी वहाँ पे मेंढक नहीं दिखेंगे आपको, जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे मेंढक जो है मिट्टी के नीचे दिखते हैं, जब वो बरसात होती है तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आती है। जैसे आक्रामक प्रजातियाँ हैं ये प्रोसीफिल जूलीफेरा, ये तो सही है, इसलिए सभी 4 होंगे इसका आंसर। और बाकी जैसे 90 वाला है, जैसे अगर आप देखोगे कार्बन चक्र, तो ये भी कंसेप्चुअल है और थोड़ा उस बेस पे है। तो जैसे कार्बन चक्र के बारे में है, जैसे कार्बन कार्बन भू प्रकृति में सर्वाधिक नहीं, ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन होता है, उसके बाद और भी होता है, फिर उसके बाद जो है कार्बन आता है। जैसे पृथ्वी पर अधिकांश कार्बन का संचयन चट्टानों और अवसादों के बजाय महासागरों और वायुमंडल में, नहीं, बेसिकली जो जो कार्बन का जो उत्सर्जन हुआ है महासागरों और वायुमंडल में वो भी चट्टानों से ही हुआ है, तो इस आधार पर यह गलत हो जाएगा, जबकि जो अधिकांश जो कार्बन है वो चट्टानों में ही है। और जैसे जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, अगर वायुमंडल होता तो बात हुई थी, क्योंकि सॉरी जैसे जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण पृथ्वी, अगर आप सोचो कि जैसे ये बात कर रहा है कि मतलब पृथ्वी से निकल रहा है
वो चीज़ जो कार्बन है वो पृथ्वी से निकल रहा है, पृथ्वी में वापस वो कार्बन चक्र के थ्रू वापस आ रहा है। अगर वायुमंडल में बोलता तो सही था, लेकिन पृथ्वी में बोला है तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखो, ये भी 90 वाला जो है कंसेप्चुअल बेस है, इसको पढ़ लेना, बाकी ये सही है। क्योंकि सूर्य की दीप्ति में परिवर्तन के कारण ग्लोबल हीटिंग होता नहीं होता है। अगर जो जैसे मतलब जैसे आपने देखा होगा कि वोल्केनो इरप्शन होता है तो जो गैस बेस होती है ऊपर बन जाती है, तो उसके कारण जो है जो ग्लोबल डीमिंग होती है, क्योंकि उसमें जो है जो सूर्य की जो किरण है वो सूर्य तक वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस आधार पर जो है ये कथन एक सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। 92 देखिए, ये भी करंट बेस है, फैक्चुअल है। तेंदुए की जो है सर्वाधिक MP में है, महाराष्ट्र में नहीं। और ये भी जो है पिछले बोल रहे हैं पाँच वर्षों में सभी हिमालयों में, सामान्यतः ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। अरुणाचल प्रदेश और UK में जो है इनमें गिरावट देखी गई है, तो वहाँ सेकंड वाला गलत है, वो सही सही है, इसलिए केवल एक हो जाएगा, ये गलत है इसका। और जैसे ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये भी थोड़ा फैक्चुअल है, तो देख लेना, इसमें केवल एक आंसर होगा। सॉरी, तो जैसे आप देखोगे कि ये 94 वाला है, 94 में जैसे ये बोला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते समय व्यक्ति का भार बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि जी जो है, जो ये ग्रेविटी वाला है जी, ये जो है भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे जाने पर घटता है सामान्यतः, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कोरिओलिस में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही हो गए, लेकिन जो है जो वेट जो बढ़ रहा है वो कोरिओलिस बल के कारण नहीं बढ़ता, इसलिए जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो है बी हो जाएगा। जैसे अगला है 95 में, जैसे UPSC सामान्य ऐसे बहुत ज़्यादा करता है कि वो जो है एक्सचेंज कर देता है स्टेटमेंट, जैसे इसमें नीचे वाला और नीचे वाले को ऊपर वाले में, और ये सामान्य गलती है, मतलब ये तो गलती है ही कि ट्रांस जो वसा है वो रक्त थक्का जमाने की प्रवृत्ति को कम नहीं करती बल्कि और बढ़ा देती है। इसलिए जो हार्ट अटैक वगैरह को जैसे बोलते हैं कि जो ट्रांसफैट वगैरह होता है उसको थोड़ा कम यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे 96 वाला है, तो ये मेरा भी खुद गलत हो गया था कि जो गंगा का जो अपवाह जो बेसिन है वो निम्नतम है, वो पश्चिम बंगाल में है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जो है मतलब उसको जो मतलब मैपिंग की थोड़ी बहुत मतलब अगर सही होगी तो आप इसको सही कर जाओगे। अगला है, ये भी मैपिंग से है तो इसको देख लीजिए, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि कहाँ कहाँ है, तो इस आधार पर ये सही हो जाएगा। 98 भी फैक्चुअल है, करंट बेस्ड है। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो अभी जो है चाइना ने जो है इंडिया को ओवरपास किया है उपभोक्ता के मामले में गोल्ड, क्योंकि चाइना पहले जो है इंडिया था, तो अब जो है चाइना बन गया है कि गोल्ड सर्वाधिक जो है चाइना के पास है उपभोक्ता के मामले में, सेकंड जो है इंडिया हो गया है, और दूसरा तो सही है। इस आधार पर जो है ये केवल दो हो जाएगा इसका आंसर। अब जैसे 99 वाला देखिए आप, सॉरी 99 वाले में जैसे ये लिखा है कि जो विद्युत जो विद्युतीकृत जो फ्लैक्स ईंधन वाहन है के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मतलब ये सामान्य ये तो सही है, इसका जो है ये तो सही है पहला वाला कि EPF में जो आंतरिक दहन ईंधन होता है, और जो विविध प्रकार के ईंधन या ईंधन मिश्रण पर कार्य कर सकता है, और दूसरा भी सही है। तीसरा इसका गलत है, क्योंकि जो ये जो इसका जो माइलेज होता है वो गैसोलीन वालों की तुलना में कम होता है, इस आधार पर ये केवल दो हो जाएंगे। और जो ये 100 वाला है, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद एल्टीट्यूड होल्ड टर्मिनल डिसेंट रफ ब्रेकिंग, ये सामान्यता किससे संबंधित है, ये तो हमने आप पढ़ा भी था कि जब आपका चंद्रयान 2 हुआ था उसमें हम ये सब पढ़े थे कि एल्टीट्यूड होल्ड टर्मिनल डिसेंट और रफ ब्रेकिंग, और इसमें जब जो चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग होती सॉफ्ट लैंडिंग, तब ये टर्म काफ़ी यूज़ किए जा रहे थे। तो इस आधार पर जो है देख लेंगे, हमने जो है 100 के 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो सेकंड वाला अभ्यास होगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा मतलब कैसा रहा है, जब होगा तो मैं उसकी भी PDF अपलोड कर लूँगा, और इसको जरूर देख लीजिएगा 100 के 100 क्वेश्चन को, और इसकी मैं PDF जो एक्सप्लेनेशन है विजन का वो मैं साइट पे सॉरी उस पर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।